कलेक्टर ऑफिस से और महिला विकास बाल अधिकारी इनकी तरफ से असित मोदी को लेटर गया था कि आप आईसीसी करके कमेटी बनाइए। तो आईसीसी करके जब इन्होंने कमेटी बनाई उसमें उन्होंने अपने मेंबर्स रखे। अब जो इनके यहाँ के जो मेंबर्स हैं, मतलब 15 साल से एक सीरियल चल रहा है, इतनी लेडीज उसमें काम करती है, उसमें कोई आईसीसी करके इंटरनल कंप्लेन कमेटी करके कोई एग्जिस्टेंस में नहीं थी। सडनली कमेटी बनाते हैं इनके मेंबर्स को लेकर, मुझे मेल वेल भेजते हैं कि हम आ जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लॉयर को नहीं लेकर आना, हम लोग सब चीज ठीक कर देंगे, आपके पास जो भी प्रूफ है ले आओ। मतलब why will those people who are working for Asit Modi can give me justice? है इधर से उधर, मेरी बच्ची को घर पे छोड़ के मैं और मेरा हस्बैंड बाइक पे इधर उधर सब जगह जा रहे हैं, सब जगह बोला जा रहा है, कुछ करूंगी, क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग मुझे बोलते थे कि ओके तुम अभी ऐसे यहाँ से मीडिया में क्यों आ रही हो, इसको पुलिस में जाके बोलो, तो पुलिस ऐसा कर रही है, ठीक है, मीडिया में भी मैं नहीं गई थी, दे आर नॉट हेल्पिंग, दे आर नॉट टेकिंग इवन माई ऑडियोज, जो मेरे पास प्रूफ है वो भी आप नहीं ले रहे हैं। तो अब उस ऑडियोज को अगर कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में नहीं लेंगे, कोर्ट में नहीं लेंगे, मुझे बोला गया 15 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होगी, ये मुझे 5 सितंबर को बोला गया था, आज देख लीजिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर वो मेरा किस तरीके से मेरे प्रूफ्स नहीं ले रहे हैं, तो आई हैव माई ओन वे टू टेक आउट शो दैट प्रूफ टू द वर्ल्ड। मैं ये करना नहीं चाहती, पर मुझे करना पड़ेगा।